नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर स्टार्टिंग क्लास 9 साइंस चैप्टर मैटर सराउंडिंग अस। आपने पिछली क्लासेस में इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, आपने चैप्टर के दो भाग कर चुके हैं, तो आइए एक बार एक क्विक रिविजन लेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग। तो आइए इसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या किया था इस चैप्टर में। सबसे पहले क्लास में हमने इसके मैटर के पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ा था कि क्या होता है। पदार्थ एक ऐसी वस्तु है जो कोई भी जगह घेरती है या फिर जिसके पास कुछ मास होता है, कुछ द्रव्यमान होता है। फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ के यह कण बहुत छोटे होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण हमने देखा था कि जो ग्लास था, ग्लास में जब हमने पानी लिया था उसके अंदर हम जब चीनी या फिर नमक को मिक्स करते थे तो वो तुरंत उसके अंदर मिक्स हो जाता था। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी कि हमने ग्लास के अंदर इंक को छोड़ दिया था, फिर हमने उसके बाद देखा था कि थोड़ी देर के बाद बिना किसी मूवमेंट के जो इंक है वो पानी के अंदर अपने आप मिक्स हो गई थी। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी, हमने चौक को, रबड़ को या फिर पानी को हमने काट कर देखा था। तो हमने क्या देखा था, जब हम रबड़ को तोड़ रहे थे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, चौक को तोड़ रहे थे तो हमें कम फोर्स लगाना था, या फिर आयरन नेल को या फिर लोहे की कील को तोड़ते थे तो हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। जिससे हमें क्या पता चला था कि कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। उसके बाद दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा था मैटर के स्टेट्स के बारे में, पदार्थ की अवस्थाएं। तीन अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, गैस यानी कि गैस अवस्था। इसमें आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल लिया था पानी का। पानी को जब फ्रिज में रख दिया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है यानी कि ठोस। जब पानी हमारे पास जो नल में आता है वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव स्टेट में होता है, और जब हम पानी को उबालते हैं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि थोड़ा सा स्टेट चेंज के बारे में पढ़ा था कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और जब हम उन्हें चेंज करते हैं तो हर विधि को एक अलग प्रक्रिया से जाना जाता है, वह प्रक्रिया क्या है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे विषय रहेंगे अवस्था में परिवर्तन, यानी कि मैटर जो पदार्थ की अवस्थाएं थी उनको हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, वो किस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। तो फिर हम उन अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग के बारे में यानी कि संगलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे उदरपातन यानी कि सब्लिमेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण को, वाष्पीकरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अवस्थाओं में परिवर्तन पढ़ते हैं। हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर थी हमारे पास, तीन स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं जब हम, सॉलिड से लिक्विड यानी कि जैसे डायमंड दिया हुआ है, जूस दिया हुआ है, तो डायमंड जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड का। जूस जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड का। और क्लाउड जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गए, गैस का। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। हम कहते हैं ना बर्फ को बाहर रख देते हैं तो वो क्या कहते हैं, पिघल जाती है या फिर मेल्ट हो जाती है। लिक्विड से जब हम गैस में जाते हैं यानी कि बर्फ को जब हम सॉरी जब पानी को हम उबालते हैं, जब पानी को उबालते हैं तो वो क्या हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। जब लिक्विड को हम सॉलिड बनाते हैं यानी कि फ्रीजर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। या फिर गैस को जब हम लिक्विड में परिवर्तित करते हैं, जैसे सिलेंडर के अंदर हमने देखा ना एलपीजी भरकर आती है, तो वो क्या है हमारा, उस विधि को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो इन अवस्थाओं को क्या हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्या ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, और अगर बदला जा सकता है तो किस विधि द्वारा बदला जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं, जो ये हमारी अवस्थाएं हैं ये हमारी इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि हम इन्हें एक विध
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लेकर जा सकते हैं या फिर दूसरी से पहली अवस्था में वापस लेकर आ सकते हैं। तो इन अवस्थाओं को हम किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, हमारे पास दो विधि है इनको परिवर्तित करने की। तो पहला है हमारे पास टेम्परेचर यानी कि ताप, और दूसरा है हमारे पास प्रेशर यानी कि दाब, मतलब कि उसके ऊपर बल लगाकर हम किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर तापमान या फिर उसे हीट कर किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, हीट कर या फिर उसे ठंडा कर। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, और अगर हिंदी में देखें तो उसे क्या कहते हैं, संगलन। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। और ये जो चार्ट है, ये जो फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स खोल के देखेंगे तो ये से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। लिक्विड को जब हम सॉलिड में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जमना, बर्फ को जमा देना। हम ये कहते हैं ना, पानी को जमा दो बर्फ बन जाएगी। अगर हमें लिक्विड से गैस में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना है, उसे भाप बनाना है, वेपर्स बनाना है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और जब हम गैस को ठंडा कर फिर से लिक्विड के अंदर परिवर्तित करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जब हम पानी को उबालते हैं और उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं तो प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है, पानी कट हो जाता है। जैसे ही इस प्लेट को हटाते हैं उसके ऊपर बहुत सारा पानी होता है, तो वो क्या होता है, ठंडा होने के कारण भाप जो है वो किस फिर से परिवर्तित हो जाती है, किसमें, पानी में। तो वो क्या है हमारे पास, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने को या फिर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, उदरपादन। अच्छा, इस सब्लिमेशन से या फिर उदरपादन से याद आया, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, याद है किसी को क्या क्वेश्चन था? मैंने क्या कहा था कि सॉलिड को हम जब गैस में डायरेक्ट परिवर्तित करते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? मैंने हिंट भी दिया था साथ में, मैंने कहा था ऐसी चीज जो पूजा में प्रयोग होती है। किस किसने ढूंढा है, जिस जिसने भी ढूंढा है बहुत अच्छी बात है, अपने टीचर्स को जरूर बताना कि आपने इसका आंसर ढूंढा था। इसका आंसर है कपूर। कपूर जलाते हैं ना, जब भी पूजा के लिए जलाया जाता है तो जब भी कपूर को जलाते हैं, पहले वो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है, और जैसे ही हम उसे जलाते हैं हमें उसकी सुगंध आती है बहुत अच्छी, और वो सीधा के सीधा भाप में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित नहीं होता, नहीं होता ना। तो जो कपूर है वो सबसे अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं कि वो उदरपातन का है। इसी तरह से हम गैस को भी सॉलिड में परिवर्तित कर सकते हैं। जब उस गैस को हम ठंडा कर देते हैं या फिर उस पे दाब लगाते हैं तो उसके कारण वो क्या होता है, जो गैस है वो अपने आप सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम हिंदी में इसी चार्ट को देखें तो हमारे पास क्या है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस से जब हम द्रव में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, संगलन। द्रव से ठोस में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जमना। द्रव से गैस में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। गैस से द्रव में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, संघनन। ठोस से गैस में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, उदरपातन। गैस से ठोस में जाते हैं तो निक्षेपण। निक्षेपण की जगह बहुत सारी बुक्स में, इवन एनसीईआरटी में भी उदरपातन भी यूज किया है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो याद रहे आप यूज कर सकते हो। तो उदरपातन भी कहते हैं और इसे निक्षेपण भी कहते हैं। तो आइए एक एक प्रोसेस को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, कि इफेक्ट मॉलिक्यूलर मोशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी पदार्थ के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे, इसका उदाहरण ले सकते हो, जैसे ही गर्मी होगी रूम्स में तो क्या होगा, तुम सारे क्या करोगे, दूर दूर भागने का प्रयास करोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे पास पास बैठेंगे। गर्मी होती है तब ये होता है ना कि हम दूर दूर थोड़ा सा बैठे ताकि हमें गर्मी कम लगे। तो सॉलिड में भी यही होगा, जैसे ही मैं क्या करूंगी, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी, जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे तो पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो सॉलिड, और हमने पढ़ा था सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल जो है वो दूर होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, पार्टिकल जब दूर जाएंगे तो वो अपनी अवस्था में क्या कर लेंगे, परिवर्तन
कर लेंगे, तो पार्टिकल जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वो किससे में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड से एक तरह से लिक्विड में, और अगर उनके स्पेस और ज्यादा बढ़ गया तो वो किसमें कन्वर्टेड हो जाएंगे, गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी तरह से लिक्विड में भी ऐसे ही होगा, जब लिक्विड कोल्ड है तो उसमें पार्टिकल्स पास पास है, और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो इससे हमें यही पता चलता है कि टेम्परेचर को जब भी बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दूर दूर जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें हमने क्या करा था, सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया था, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया था। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, फ्यूजन या फिर संगलन। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move freely. जैसे ही सॉलिड को क्या करा जाएगा, हीट करा जाएगा, उसमें थोड़ा सा ताप बढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, पार्टिकल जो है वो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, तो एक ऐसा पर्टिकुलर ताप आएगा जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड है वो क्या करेगा, मेल्ट कर पिघल कर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इस विधि को हम क्या कहते हैं, इस गलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन यानी कि संगलन। जिस तापमान पर कोई भी सॉलिड मेल्ट करने की कोशिश करता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक, जिस पर वो गलना शुरू हो गया। कोई भी सॉलिड जो है, ठोस जो है, जब वो गलना शुरू हो गया, मतलब कि वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। तो जो हमारा आइस है, जो बर्फ है, उसका गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी और 273 केल्विन, 273 केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है वो हमारे पास दो मापने के, तापमान मापने की स्केल है। जैसे हम उसको लेंथ को माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर को माप सकते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अभी हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे डिटेल्स में। तो फिर आता है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि जितनी हीट मुझे, जितना ताप मुझे देना पड़ा किसी भी सॉलिड को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए। सपोज करो मैंने तुम्हें क्या किया, एक बाउल भरकर आइस दे दी। अब उसको कुछ हीट तो देनी पड़ेगी ना, ताकि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे देनी पड़ी वो मेरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, जब 1 किलो ठोस को एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब कि हमारे नॉर्मल एटमोस्फेयर में, जब उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, द्रव में कन्वर्ट करने के लिए जितना मुझे उसे हीट एनर्जी देना पड़ा, वो मेरा क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास बॉइलिंग। जैसे हमने मेल्टिंग पढ़ा था, सेम एग्जैक्टली बॉइलिंग वही है। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग यानी कि संगलन, गलना। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण यानी कि बॉइलिंग। जब भी किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो पार्टिकल जो है वो क्या करना शुरू करेंगे, फास्टर मूव करना शुरू करेंगे, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर जो हमारा द्रव है वो क्या करना शुरू करेगा, उबलना शुरू करेगा, और वो धीरे धीरे भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जब लिक्विड हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाप में परिवर्तित हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता है, उबलना स्टार्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो उबलना शुरू हो जाता है, लिक्विड जो है वो भाप बनना शुरू हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। जब 100 के अंदर 273 को ऐड कर दिया जाता है तो हमें किस पे मिल जाता है, टेम्परेचर केल्विन में मिल जाता है। अभी हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है 1 किलो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, वो हमारा क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि जितनी हीट हमें देनी पड़ती है 1 किलो द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
कहलाता है. क्या कहलाता है? लेटेंट हीटो वेपराइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं उद्गपातन के बारे में. उद्गपातन क्या है? जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है. इसका हमने एक एग्जाम्पल अभी मैंने तुम्हें बताया था कपूर का. और कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो? सोचो सोचो, इतनी देर हम परिभाषा करते साथ साथ सोचते भी रहो. तो उद्गपातन में हमने पढ़ा था द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. जब हम एक स्टेट को सॉलिड को सीधा डायरेक्ट गैस में या फिर गैस को सीधा सॉलिड में परिवर्तित कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उद्गपातन यानी कि सब्लिमेशन. इसका एक एग्जाम्पल हम लैब्स में करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट हम लैब्स में जरूर करेंगे जब आप स्कूल आएंगे. तो इसपे हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश के अंदर हम क्या लेते हैं? अमोनियम क्लोराइड लेते हैं. अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड में होता है और जैसे ही उसे हीट किया जाता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है. और जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाता है वो ठंडा होता जाता है और फिर धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो जाता है? फिर से अमोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है. जैसे इसमें हमने देखा चाइना डिश लिया है और इसके ऊपर हमने क्या लगाया है? फ्लास्क लगाया है जिसको हमने ऊपर से बंद कर दिया ताकि जो भाप है वो उसी के अंदर है. तो जैसे ही हम नीचे से बर्नर के द्वारा उसे हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड किस में परिवर्तित होता है? गैस में परिवर्तित होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता. जैसे ही वो गैस में परिवर्तित होता है ऊपर की तरफ उठता है. जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा. ठंडा होने के कारण फिर से वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा और फिर वो इसके फ्लास्क की वॉल्स पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा. ठीक है. अच्छा, सब किसी ने सोचा एग्जाम्पल? चलो हिंट दूं थोड़ा सा. सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े पहनते हैं उनको जब गर्मियों में दोबारा रखा जाता है तो उसके लिए हम एक छोटी छोटी वाइट वाइट गोलियों का प्रयोग करते हैं. यस, फिनाइल की गोलियां. फिनाइल की गोलियां डाल के रखते हैं ना ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगे. और जब हम सर्दियों जब दोबारा सर्दियां आती हैं जब हम उन कपड़ों को निकालते हैं, क्या आपको सॉलिड जो है क्या आपको अपने कपड़े गीले मिलते हैं? क्या आपको कहीं पर भी फिनाइल की गोली का जब उस अखबार को खोलते हैं या फिर जिस कपड़े के अंदर जिस पेपर के अंदर रखा होता है उस पेपर के अंदर कुछ मिलता है? नहीं मिलता. तो इसका मतलब क्या है कि जो फिनाइल की गोलियां थी पहले ठोस थी वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्टेड हो गई? गैस के अंदर कन्वर्ट हो गई. वो उन्होंने बीच में कोई भी स्टेट चेंज नहीं किया. तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? उद्गपातन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अभी हमने टेम्परेचर की बात करी थी, अब हम प्रेशर की बात करते हैं. तो अब क्या होगा जब भी मैं किसी चीज पर प्रेशर लगाऊंगी? सपोज करो एक बलून के अंदर हवा भरी हुई है, उस बलून को जब मैं दबाने की कोशिश करूंगी तो पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे? और पास आने की कोशिश करेंगे. तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था. जब गैस के पार्टिकल्स पर प्रेशर लगाया जाता है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? धीरे धीरे पास आने की कोशिश करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ मटेरियल की गैसेज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे घरों में एलपीजी आती है. एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विड भी आ रहा है, गैस भी आ रहा है. मतलब कि पेट्रोल की वह गैस जिसे क्या कर दिया हमने? लिक्विफाई कर दिया. यानी कि उसमें उसे किस में कन्वर्टेड कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और उसे इसके अंदर फिल कर दिया. और जैसे ही अभी तो देखो दाब से इसके अंदर फिल करा जाता है और जैसे ही वो पाइप के अंदर आती है दाब कम हो गया, वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में फिर से परिवर्तित हो जाती है. तो ये क्या है कि मतलब कि जब उसमें दाब लगाया तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही उसे दाब कम किया तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया. इसका एक और एग्जांपल है. जब जैसे हमने अभी उद्गपातन में पढ़ा था कि जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड की स्टेट नहीं लेता. तो इसका एक और एग्जाम्पल है जिसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड सबने पढ़ा है, हमने रेस्पिरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जब हम उसे सॉलिड स्टेट में देखते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड पे प्रेशर लगाया जाता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड के अंदर नहीं कन्वर्ट होता. वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. इसलिए सूखी बर्फ है मतलब कि गीली नहीं होती बीच में, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ड्राई आइस भी कहा जाता है यानी कि शुष्क बर्फ.
क्योंकि वो गीली तो है ही नहीं, जैसे जो हम पानी की बर्फ देखते हैं वो कहती गीली गीली फील होती है हमें, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ होती है वो बिल्कुल सूखी बर्फ होती है, इसलिए से क्या कहा जाता है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी कहते हैं। और जैसे ही हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं, जैसे ही प्रेशर कम किया जाता है तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, ये प्रोसेस हमारी कौन सी हो गई, सब्लिमेशन यानी कि उद्गम पातन। आइए आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास इवेपोरेशन। अभी हमें आपको ध्यान होगा कि हमने अभी बॉइलिंग की बात करी थी, उसे भी हमने वाष्पीकरण कहा था, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन, इसे भी हम क्या कह रहे हैं वाष्पीकरण कह रहे हैं। दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों में क्या हो रहा है लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हमने अभी जब बॉइलिंग की बात करी तो हमने कहा था कि बॉइलिंग किस पर होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, मतलब एक टेम्परेचर पर होती है। जैसे अगर मुझे पानी को गैस में परिवर्तित करना है, भाप में परिवर्तित करना है, तो मुझे उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा है, हमने मोस्टली केसेस में देखा जैसे धूप होती है, गर्मी होती है, तो जब हम पानी को छोड़ देते हैं तो धीरे पानी को, पानी की बाल्टी को या फिर पानी के मग्गे को अगर हम काफी दिनों तक बाहर छोड़ देते तो धीरे धीरे सन की गर्मी में पानी जो है वो क्या करता जाएगा, इवेपोरेट करता जाएगा, भाप बनकर उड़ता चला जाएगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं आया उसका, मतलब कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी पानी जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, भाप में परिवर्तित हो गया। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करने की जरूरत नहीं है मुझे पानी को, उसको भाप बनाने के लिए धीरे धीरे क्या होगा कि वो सरफेस पर पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने आप दूर चले जाएंगे। हमने पढ़ा था ना कि मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसमें यही हो रहा है कि जैसे ही जो सरफेस पर, जैसे मैंने सपोज करो एक बाउल के अंदर पानी रखकर धूप में रख दिया, तो धूप में क्या होगा, जो ऊपर वाले पार्टिकल होंगे उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो दूर चले जाएंगे और किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, भाप में कन्वर्टेड हो जाएंगे। तो इवेपोरेशन जो है वो एक हमारा सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना क्या है कि जो हमारे सरफेस पर डिपेंड करते हैं, सपोज करो अगर मैं ग्लास में रख रही हूँ या फिर किसी कटोरे में रख रही हूँ, तो कटोरे में जो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा क्योंकि उसमें उसको क्या है एरिया ज्यादा मिल गया, लेकिन जो ग्लास है उसके अंदर उसको क्या है एरिया कम मिल रहा है, तो इसके कारण वो भाप नहीं बन पाएगा। तो क्या होता है, जो हमारे सरफेस पे पार्टिकल होते हैं यानी कि जो ऊपर की तरफ पार्टिकल होते हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो लिक्विड की जो अट्रैक्शन थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसको छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें देख सकते हो जैसे इस प्रक्रिया में दिखाया गया हमें कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो क्या करते हैं भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि वाष्पीकरण किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो हमारा वाष्पीकरण का प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से, हमारे वो है हमारे सरफेस एरिया यानी कि आयतन, टेम्परेचर यानी कि ताप, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, विंड स्पीड यानी कि वायु की गति। तो सबसे पहले अगर मैं, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, अगर मैं ग्लास में पानी रखूं या फिर बाउल में पानी रखें तो कौन सा सबसे पहले ठंडा होगा, बाउल वाला। तो इसी तरह से इवेपोरेशन भी किसका सबसे ज्यादा होगा, बाउल वाले का। तो जैसे ही हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाती है। तापमान का प्रभाव क्या होगा, ये तो हमें पता ही है, जैसे ही मैं तापमान को इंक्रीज करूंगी, जैसे ही मैं तापमान को बढ़ाऊंगी क्या होगा, धीरे धीरे पार्टिकल जो है वो दूर दूर भागेंगे। अगर वो दूर दूर भागेंगे तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अब आर्द्रता का क्या प्रभाव है, आर्द्रता का प्रभाव हम समझ सकते हैं, आर्द्रता यानी कि जब हमारे आसपास हमारे वातावरण के अंदर पानी के कण बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही पानी के कण ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। हमने देखा भी है कि जब जून, मई जून की गर्मी होती है, शुष्क गर्मी पड़ती है, तब कूलर अच्छी हवा देता है एज कम्पेयर टू जुलाई अगस्त बारिश के मौसमों में। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा, पहले ही एटमॉस्फेयर में इतने सारे पानी के कण है, तो उसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा और इवेपोरेशन का रेट जो है वो
कम हो जाएगा. तो जो आर्द्रता है उसके इंक्रीज होने पर हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. वायु की गति का प्रभाव, जैसे ही वायु की गति बढ़ती है जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है वो पानी के या फिर किसी भी लिक्विड के इवेपोरेशन के रेट को इंक्रीज करेगी. तो वायु की गति से इवेपोरेशन जो है वो हमारा और ज्यादा हो जाएगा. इसमें यही है, जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई वो इवेपोरेट कर जाएंगे, जो मीडियम एनर्जी वाले हैं वो फिर से वापिस चले जाएंगे, और जो लोअर एनर्जी वाले हैं वो तो कभी सरफेस पर पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो पहले जो पार्टिकल्स इवेपोरेट कर जाएंगे, फिर जो मीडियम वाले हैं वो इवेपोरेट करेंगे, जो लोअर एनर्जी वाले हैं क्या पता वो कभी इवेपोरेट ना ही कर पाए, वो हमेशा लिक्विड ही रह जाए. तो इवेपोरेशन जो है वो अब कूलिंग कैसे करती है, क्योंकि इवेपोरेशन का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, जो हमें जो बेनिफिट है वो है उसका कूलिंग में. कूलिंग कैसे करती है, अब क्या होगा, जैसे ही लिक्विड इवेपोरेट करता है, कोई भी द्रव जो है वो भाप में परिवर्तित होता है, वो क्या करता है, सराउंडिंग से अपने आसपास से हीट लेता है. जैसे ही वो अपने हीट ले लेगा तो वहां पर क्या होगा, हीट ले ली तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. तो धीरे धीरे जैसे जैसे लिक्विड जो है वो इवेपोरेट करने के लिए हीट लेता है और आसपास की जगह को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है. तो पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, लिक्विड के हीट एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, और क्या करते हैं, भाप बनकर उड़ जाते हैं, और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है. आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं, आसपास अपने घरों के आसपास या फिर छत पर सड़क पर पानी छिड़क देते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, धरती जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, फिर आसपास की हवा जो है वो गर्म हो जाती है. तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो पानी क्या करेगा, जो भी सराउंडिंग में हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसे तो भाप बनना है, उसके अंदर इतनी एनर्जी आएगी. तो जब वो भाप बनेगा तो जो हमारा हॉट सरफेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा. तो जो हमारे पास क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस प्रकार होती है. इसके दो तीन क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछे जाते हैं, आपके सेट के एग्जाम्स होंगे उसमें भी बहुत बार पूछे जाएंगे. तो इसके अंदर आप देखो किस तरह से करें, अगर हम इमेज से देखें, जैसे ये सपोज करो हमारे पास क्या है, कोई भी जमीन का टुकड़ा या फिर कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर हमने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है. तो जैसे ही गर्म हवा आएगी, ये पानी जो है, इसके अंदर जो पानी है वो क्या करेगा, भाप बनकर उड़ेगा, और जो हवा है यहाँ से क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. सपोज करो मैंने क्या कर रखा है, पर्दा टांग रखा है, उस पर्दे के ऊपर मैंने क्या करा, गर्मियों में पानी छिड़क दिया. तो जैसे ही बाहर से गर्म हवा आएगी, वो पानी जो है वो क्या करेगा, इतनी एनर्जी गेन करेगा ताकि वो भाप बन जाए और जैसे ही वो भाप बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाएगा. वो अपने सराउंडिंग को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा. नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर, यानी कि जो हम नॉर्मल कूलर अपने घरों में चलाते हैं उसमें हम बेसिकली देखते हैं, हम क्या करते हैं, वाटर टैंक होता है, एक पंप होता है, उसके साथ हमने क्या किया होता है, दरवाजों पर उसके भूस लगा देते हैं ताकि उसके अंदर पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता रहे. तो वाटर टैंक के अंदर हम पानी फिल कर देते हैं, पंप का काम होता है कि वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता रहे. तो वाटर टैंक से क्या होगा, पंप में पानी जाएगा, पंप से पानी होता हुआ किसमें जाएगा, फिल्टर जो हमने आसपास दरवाजों पर उसके लगाए होते हैं. तो जैसे ही वो फिल्टर गीले होंगे, बाहर से गर्म हवा आएगी, बाहर से कूलर जो है वो क्या करेगा, गर्म हवा खींचेगा, इन फिल्टर के अंदर जो पानी है वो किसके अंदर परिवर्तित होगा, भाप में परिवर्तित होगा. वो भाप जो है वो क्या करेगी, हमारे आसपास के सराउंडिंग को, हमारे आसपास के वातावरण को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी. और वो ठंडी हवा जो है वो क्या होगी, हमारे रूम में या फिर हम जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पर आ जाएगी. तो इस तरह से कूलर जो है वो वाष्पीकरण की सहायता से ठंडा करता है. इसके अंदर एक प्रश्न बनता है कि कूलर जो है वो शुष्क दिनों में ज्यादा ठंडा करता है एज कम्पेयर टू बारिश के दिनों में. इसका रिजल्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आर्द्रता ज्यादा होने के कारण जो हमारा वाष्पीकरण की दर है वो कम हो जाती है, इसके कारण बारिश के दिनों में कूलर जो है वो कम ठंडा करता है और शुष्क दिनों में कूलर जो है वो ज्यादा ठंडा करता है. तो आइए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. सबसे पहला आता है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए. सोचो
सूती कपड़े क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि सूती कपड़े क्या होते हैं, वो हमारे पसीने को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम सिल्क के कपड़े या फिर ऊनी कपड़े डालेंगे तो वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो हमें ऐसे कपड़े डालने हैं जो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लें। तो जैसे ही हम कॉटन के कपड़े डालते हैं और गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हमें पसीना आता है। पसीना आने के कारण हमारे जो सूती कपड़े हैं वो क्या करते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अपने अंदर समा लेते हैं। जैसे ही पसीने को अंदर समाते हैं तो वैसे ही हमारा जो पसीना है वो किस में आता है, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के कॉन्टेक्ट में आता है। जैसे ही वो वातावरण के कॉन्टेक्ट में आता है, गर्मी होने के कारण जो पानी है वो क्या कर जाता है, जो हमारा पसीना है वो क्या कर जाता है, भाप बनकर वाष्पीकृत हो जाता है। और जैसे ही वो वाष्पीकृत हो जाता है तो हमारे आसपास हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो जैसे अब इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारी त्वचा हो गई, इस पर क्या हुआ, हमारे पास पसीने की बूंदें हैं। तो कॉटन क्लोथ ने क्या करा, जो हमारा सूती कपड़ा है उसने क्या करा, इस पसीने की बूंदों को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि अपने अंदर समा लिया। धीरे धीरे क्या होगा, जो पानी हमारी पसीने की बूंदें थी वो क्या हो जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो ये हमारा एब्जॉर्ब पसीना हो गया। और जब हम गर्मी में बाहर निकलेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, भाप बनकर उड़ेगा और हमें क्या फील होगा, ठंडक जो है वो फील होगी, हमें कूल फील होगा। इसका एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि हमें देखा होगा जब भी हम बर्फ के अंदर, यानी कि ग्लास के अंदर पानी और बर्फ दोनों चीजें रख देते हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि उस ग्लास के ऊपर या फिर ठंडा पानी रख देते हैं तो उस ग्लास के ऊपर क्या होता है, पानी की हमें बूंदे नजर आती है। तो इसके इसके जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है, अब देखो जो ग्लास के अंदर पानी है वो क्या करेगा, बर्फ है या फिर पानी है वो क्या करेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका क्या होना शुरू होगा, हाई होना शुरू हो गया, मतलब बर्फ जो है वो क्या करनी शुरू होगी, मेल्ट करनी शुरू करेगी। और जो पानी है रखा हुआ उसके अंदर वो क्या करेगा, ठंडा होने की कोशिश करेगा। अब आसपास की जो हवा है वो क्या है, गर्म है। जैसे ही वो उसके कॉन्टेक्ट में आएगी, हमने क्या पढ़ा था, पानी गैस जो है जब भी वो कॉन्टेक्ट में आती है किसी लो टेम्परेचर के तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती है। जो आसपास की गर्म हवा है वो क्या होगी, जब भी ग्लास के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, जो हमारी वाटर वेपर है एयर के अंदर, जब भी वो ग्लास के वॉल में कॉन्टेक्ट में आएंगे, यानी कि ग्लास की सतह से कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो इसका टेम्परेचर तो कम है, इसके टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, जो ये वेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हमें ग्लास पर दिखाई देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि शुष्क गर्मी में कूलर ज्यादा ठंडा क्यों करता है, हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, या फिर इस पे बर्फीले जल से भरे ग्लास की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में जाने का, या फिर केल्विन, हमारे पास हमने पढ़ा था ना कि दो स्केल्स हैं हमारे पास, एक डिग्री सेल्सियस और एक है हमारे पास तापमान को मेजर करने का केल्विन, ठीक है। इन दोनों स्केल्स में इंटर कन्वर्ट करने का, मतलब कि अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, और केल्विन में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चन पक्का से पक्का आता ही आता है, दो नंबर का या फिर एक नंबर का टिक मार्क के लिए भी आ सकता है। तो अब देखो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका क्या है, जब भी हम, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सेल्सियस से केल्विन या फिर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें 273 का खेला है, यानी कि 273 या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब पेपर में हमें क्या कंफ्यूजन होती है कि हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना था तो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, हम इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। एक आधा फ्रेंड से पूछते हैं वो कुछ कंफ्यूज कर देता है तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको याद करने की मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, मुझे ये बताओ जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो सी पहले आता है या के, सी पहले आता है और के किस में आता है, बाद में। तो अगर मुझे सी से के में जाना है तो मुझे क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, बढ़ना है। तो जब मुझे सी से के में जाना है तो मुझे क्या करना है, जमा करना है ना, सी से के जाना है तो मुझे क्या करना है, जमा करना है। और अगर मुझे के से सी जाना है तो मुझे पीछे की तरफ जाना है,
और जब मुझे कभी पीछे की तरफ जाना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, घटा करना पड़ता है, यानी कि कम करना पड़ता है। तो सी से के जाने के लिए बढ़ाना है, के से सी जाने के लिए कम करना है। अल्फाबेट से याद रखो, सी जो छोटा होता है, के जो है वो बाद में आता है, तो सी से के जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, और के से सी जाने के लिए मुझे, के जो है वो बाद में आता है, सी जो है वो पहले आता है, तो के से सी जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्या है हमारे पास, हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा था के से सी जाना है, के से सी, अगर के से सी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं, कितना, 273 किसी भी वैल्यू में से, कुछ भी टेम्परेचर दिया हमें सिर्फ 273 को घटाना है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 293 केल्विन, उसमें से मैंने जब 273 को हटाया तो मेरे पास कितना बल गया, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 2 में से 2 गए 0, तो मेरे पास क्या गया, 20 डिग्री सेल्सियस। आसान है ना, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 470 केल्विन में से मुझे क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 470 केल्विन माइनस 273 कितना हो गया, 167 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल, हमें क्या करना है, टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, 373 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो हम किस में जा रहे हैं, डिग्री सेल्सियस से जा रहे हैं, केल्विन में। तो अब हमें क्या करना है, सी से के जाना है, जब सी से के जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे 273। तो जब हमें 273 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें अब किसको करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को करना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम 273 ऐड करेंगे, 5 में 3 प्लस किया 8, 2 में 7 ऐड किया 9, और 2 तो हमारे पास क्या बच गया, 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 298 केल्विन। इसी तरह से जब हमें 373 केल्विन को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, 273 को ऐड करेंगे। बहुत आसान है, सी से के जाना है तो ऐड करना है, के से सी जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, यही चीज करनी है, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे तो आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 646 केल्विन आ रहा है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं होता। तो आइए अभी एक चीज और रिवाइज कर लेना, जो हमें आज ही करी थी, हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये हमने पढ़ा था ना, सॉलिड से लिक्विड जाना है हमें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस जाना है। तो आइए रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो अब आप अपनी कॉपी में लिखते चले जाएंगे, फिर हम आंसर चेक करते जाएंगे। सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हम उसे क्या कहते हैं, अभी आपने अभी कॉपी में लिखा होगा, कहते हैं संगलन, वेरी गुड। लिक्विड से गैस जाना है, यानी कि द्रव से गैस में जाना है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बी प्रक्रिया को, लिक्विड से गैस, वाष्पीकरण, वेरी गुड। गैस से जब हमें लिक्विड में जाना है, जल्दी जल्दी, गैस से लिक्विड, संघनन। लिक्विड से जब हमें सॉलिड जाना है, मुझे पानी को बर्फ जमाना है, तो प्रक्रिया क्या हो गई, जमना। इसी तरह से जब मुझे सॉलिड को गैस में लेके जाना है, सॉलिड में सोचो सोचो, उदरपातन। और इसी तरह से जब गैस को सॉलिड में लेके जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, उदरपातन, या फिर निक्षेपण भी कह सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा ही याद कर लीजिए। तो आज का ये चैप्टर में इसे हमें इतना ही याद करना है। थैंक यू, अपने इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करें, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन होता है अपने टीचर से जरूर पूछें। थैंक यू।